नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हां साथियों, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का एक लेटर जारी हुआ है साथियों, डेपुटेशन बेस पर जॉब है। इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा साथियों कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें साथियों। इसमें पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस पर किस किस डेजिनेशन की पोस्ट आई है साथियों, तो आपको मैं पूरी जानकारी बताऊँगा और कौन अप्लाई कर सकता है। ये देख लीजिए साथियों, ये लेटर है हरियाणा वाटर रिसोर्सेस पंचकुला अथॉरिटी। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए, ये इन्होंने सभी डिपार्टमेंट को ये लेटर जारी कर दिए हैं। और ये देख लीजिए, फिलिंग आप वेरियस पोस्ट डेपुटेशन बेस हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी पंचकुला। तो ये देख लीजिए साथियों, ये डेपुटेशन बेस पर ये पोस्ट आई है साथियों। ये देख लीजिए, अंडर सेक्रेटरी की एक पोस्ट है और ये स्टेनोटाइपिस्ट की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ड्राइवर की है और अकाउंटेंट असिस्टेंट की है और अकाउंटेंट क्लर्क की है। जी हाँ साथियों, डेपुटेशन बेस पर पोस्ट हैं साथियों। तो ये देख लीजिए, रिमेनिंग 36 पोस्ट एंड कैंडिडेट मस्ट बी वर्किंग सेम पोस्ट। ये कह रहे हैं कि साथियों, ये जो पोस्ट है ना, वन शैल बी फील्ड अंडर सेक्रेटरी हरियाणा, यानी कि जो भी सरकारी जॉब पर लगा हुआ है और अगर वो अपनी पोस्ट को बदलना चाहता है और वर्किंग सेम पोस्ट यानी कि सेम पोस्ट पर वर्क कर रहा है, इस इज अप्लाइंग, तो वह ही अप्लाई कर सकता है। द ऑफिशियल सेंटर गवर्नमेंट टेकिंग सेम पे स्केल मैट्रिक्स आल्सो अप्लाई द कंसर्न्ड पोस्ट। तो ये देख लीजिए साथियों, अगर कोई साथी इन पोस्टों पर लगा हुआ है ना ऑलरेडी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो वही इन पोस्टों पर अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप भी इसमें डिपार्टमेंट बदलना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा साथियों। और ये इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पोस्ट हैं, स्टेनोटाइपिस्ट हैं, कलर्क ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, अकाउंटेंट हैं। और अगर आपको लेटर चाहिए तो अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है साथियों, वहाँ पर ये लेटर मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ये लेटर ले सकते हैं अगर आप किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं तो। तो ये देख लीजिए साथियों, इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।